चाणक्य नीति ये कहती है कि बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो लोग बीमारी को मामूली मानकर लापरवाही करते हैं उन्हें जल्द ही बड़ी परेशानी से जूझना पड़ता है, क्योंकि बीमारी कब जानलेवा हो जाए ये पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। अब थायराइड को ही देख लीजिए, कहने के लिए तो ये एक बेहद ही मामूली सी परेशानी, मामूली सी बीमारी है जिसका इलाज एक छोटी सी गोली है। बस जीवन भर सुबह उठते ही दवा लेते रहिए और आपके थायराइड्स के लेवल मेंटेन रहेंगे। लेकिन अक्सर ये मालूम नहीं हो पाता है कि क्या ये कंप्लीटली क्योर होगी, और मुमकिन भी नहीं होता है क्योंकि लोग ध्यान नहीं रखते, लोग लापरवाही कर बैठते हैं और फिर उन्हें दवा का डोज बढ़ाना या फिर घटाना पड़ता है। लेकिन ज्योत्सना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर दवा नहीं लेते। बिल्कुल, ये भी बात आप ठीक कह रही हैं। अब सीधी सी बात है, ऐसे लोग मामूली परेशानी को अपनी लापरवाही से जानलेवा बना देते हैं। ऐसे लोगों को समझना होगा कि थायराइड का लेवल बिगड़ने से मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में नहीं रहता। थायराइड हार्मोन कम होने पर वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और ज्यादा होने पर वजन तेजी से घटने लगता है। हम हाइपर दोनों तरह के थायराइड की बात कर रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि थायराइड हार्मोन बॉडी के हर पार्ट पर असर डालता है। इसकी वजह से दिल की धड़कन बदल जाती है, साथ ही ब्लड प्रेशर की परेशानी शुरू हो जाती है, अचानक मूड स्विंग्स होने लगते हैं, लो फील होने लगता है। इतना ही नहीं, यंग एज में ही बूढ़े दिखने भी लगते हैं। ज्योतिषा, थायराइड लेवल बिगड़ने से ड्राई स्किन, चेहरे पर झुर्रियां आना, हेयर फॉल की परेशानी इतनी कॉमन है कि अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो थायराइड का लेवल तुरंत चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि आंखों पर भी इसका असर पड़ता है। आंखें बाहर की तरफ निकलने लगती है, गले में गांठ बन जाती है। हमारे थायराइड ग्लैंड भी तो यही होते हैं, जो कई बार कैंसरस भी हो जाती है। बिल्कुल, जिन लोगों को लगता है कि थायराइड जानलेवा नहीं है उनके लिए ये एक अलर्टिंग जानकारी है, क्योंकि थायराइड कैंसर के मामले हाल ही के दिनों में तेजी से बढ़े हैं और 40 से 50 साल के जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा ये डिटेक्ट भी हो रहे हैं, जो कई बार लेट डिटेक्ट होने पर बोन फ्रैक्चर और बाद में डिसेबिलिटी की वजह भी बन जाता है। इतना कुछ समझाने का मतलब साफ है कि छोटी सी परेशानी को फैलने का मौका मत दीजिए। लेकिन आपको डराने की हमारी कोई मंशा नहीं है, सिर्फ सचेत करने की हमारी कोशिश है। लापरवाही से आप बच सकते हैं, ताकि ये लापरवाही आपको ऑपरेशन थिएटर में ना लेकर जाए। इसके लिए रोजाना योग और आयुर्वेद उपाय के ज्यादा बेहतर और क्या विकल्प हो सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी गोली छुड़ानी होगी और फिर हमेशा के लिए बीमारी से मुक्ति पानी होगी। और ये होगा कैसे, या रोज की तरह योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले कि मैं आज के विषय पर आपसे जानकारी लूं, एक और जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं कि आज हमारे साथ योग के फ्लोर पर मैं, ज्योत्सना और हमारी एक और नई सहयोगी प्रिया सोमवंशी भी इस शो में अब हमारी साथी रहेंगी। वो क्योंकि लगातार इस कार्यक्रम को देख देख के स्वामी जी योग करना सीखी हैं और रोजाना आपके साथ लाखों दर्शकों के साथ वो योग करना चाहती हैं। तो स्वामी जी आपके आशीर्वाद के साथ प्रिया का एक बार अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल, एक नई योगिनी सम्मिलित हो गई है इंडिया टीवी पर। प्रणाम स्वामी जी, आ गई आप। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद आपको। और तो अब हिंदुस्तान की करीब करीब 80-90% लेडीज तो इंडिया टीवी सुबह सुबह फॉलो करने लग गई है। अब मुझे लगता है एक देवी और जोड़ने से 100% लेडीज अब सुबह सुबह इंडिया टीवी फॉलो करेंगी और इधर उधर भटकेंगी नहीं। अब देखो ये गुड़िया क्या नाम बेटा, रिया कौशिक, ये रिया है, उधर प्रिया है, इधर रिया है। अब इसको थायराइड कैसे हो गया बेटा पता ही नहीं, कुछ कितनी उम्र है, 18। कब डिटेक्ट हुआ था, 9 साल पहले जब मैं 5th में थी तब। अब बताओ 5th में थी तभी से थायराइड हो गया। अब एलोपैथी की दवा बंद कर दी। हाँ। तो क्या ले रही हो, आयुर्वेदिक, आयुर्वेद की चल रही है, ये थायरोग्रीट और धनिये का पानी। आपको अब वजन तो नहीं बढ़ रहा, नहीं 3 किलो कम हो गया है, 3 किलो वजन कम कर लिया। तो रिया अब ऐसे ही करते रहना, ठीक है, जाओ बेटा। तो ये तो मैंने रिया का इसलिए पूछा, ये सबसे छोटी उम्र वाली थी, बाकी तो इन्होंने काफी सबने अपना थायराइड एलोपैथी तो बंद कर दिया है। और ये ताराचंद तो अद्भुत है, इसको देना भाई माइक वहीं से। इसने तो क्या क्या ठीक किया अपना। हेलो, मुझे 20 साल से ब्लड प्रेशर था, ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से
लीवर डैमेज हो गया, लीवर सिरोसिस, लीवर डैमेज होकर फोर्थ स्टेज का लीवर सिरोसिस, फोर्थ स्टेज का, फोर्थ स्टेज। और ये हैदराबाद से आए और हैदराबाद तो हब बना हुआ है लीवर सिरोसिस का, तो डॉक्टर ने ये बोल दिया लीवर ट्रांसप्लांट करना है और बचने के चांस कम है। तो मेरी वाइफ रोने लग गई, तो फिर उसके बाद बाबा जी इंडिया टीवी और आस्था उसमें फॉलो करके डेली मैं दो घंटे योगा करता रहा। अब बीपी का क्या हाल है? बीपी नॉर्मल हो गया, शुगर नॉर्मल हो गया, तो लीवर भी टोटल 100% ठीक कर दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो? लिवो ग्रिड और लिवामृत एडवांस गोधन अर्क सर्कल को आती लेकर बहुत आशीर्वाद। अब देखो उज्जाई सर्वांगासन और शीर्षासन जो ना कर सके उज्जाई करे, गले को टाइट करके और श्वास ऐसे अंदर भरे ऐसे, अब देखिए हम 10 मिनट में पूरा थायराइड का योग बता देते हैं और उसका उपाय उपचार जिस कारण से थायराइड होता है उस कारण का निवारण कर देते हैं। ब्रश को होल्ड करके रखा, दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया, 20 से 30 सेकंड सभी होल्ड कर सकते हैं ऐसे ये उज्जाई। फिर ये सिंहासन ऐसे पद्मासन में बैठ के कर लो, चाहे वज्रासन में बैठ के कर लो, चाहे सुखासन में बैठ के कर लो, ऐसे ही कर लो। ये सिंहासन, ये उज्जाई और एक ये ग्रीवा संचालन, ऐसे गर्दन को गोल गोल घुमाया। अब इससे थायराइड पैराथायराइड और फिर सर्वांगासन हलासन करने से, अनुलोम विलोम करने से पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे TSH थार्मोन जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता है। तो इसके लिए सर्वांगासन हलासन कराते हैं, अनुलोम विलोम करा देते हैं। तो उज्जाई सिंहासन, ये ग्रीवा संचालन और फिर जो कर सके उनसे मत्स्यासन करवा देते हैं या हलासन, जो रिया भी थोड़ी देर पहले कर रही थी ऐसे ये करवा देते हैं। ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, और कई बार तो शरीर ही गड़बड़ हो जाता है ना थायराइड में, तो फिर दिक्कत होती है सर्वांगासन और हलासन करने में। जो कर सके तो ये पाँच मिनट ऐसे कर लेना, पाँच मिनट, ये पूरा उसका पैकेज हो गया ऐसे। 5 मिनट कपाल भाती के साथ करें, जब ये इतना ना कर पाए तो कोई बात नहीं, खाली कपाल भाती कर ले, उज्जाई कर ले। और ये जो भुजंगासन है ना, ये भी बड़ा लाभ करता है इसमें ऐसे, ये जिससे थायराइड पैराथायराइड को एक्सरसाइज मिलेगी, वो सारे योगाभ्यास लाभ करेंगे हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में। ये मूल पैकेज हो गया इस तरह से है। अच्छा स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने करा ही दी है और बड़ी खुशी हो रही है देखकर कि आज हम तीन जो है सहयोगी एक साथ मिलकर यहाँ योगाभ्यास कर रहे हैं और प्रिया भी एक एक करके आपसे सारे आसन वैसे तो टीवी के जरिए लगातार सीखती आई हैं, लेकिन आज आपके साथ करने का एक अलग अनुभव उन्हें भी मिल रहा होगा। स्वामी जी, जिनका थायरॉक्सिन हार्मोन गड़बड़ रहता है वो अक्सर थकान महसूस होने और सीढ़ी चढ़ने या कोई काम करने पर सांस फूलने की शिकायत करते हैं, ऐसे में उनके लिए योगाभ्यास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग योगाभ्यास की शुरुआत कहाँ से करें, ये थोड़ा सा आप उन्हें समझाएं, क्योंकि वो पहले तो बहुत डीमोरलाइज हो जाते हैं कि अब तो उनके जीवन में कुछ बाकी ही नहीं रहे। अरे जो ताराचंद आपको जो बता रहे थे, बीपी था, शुगर था और फोर्थ स्टेज का, इनको लिवर सिरोसिस था, इनसे 2 कदम चलना भी मुश्किल था। और अब उल्टे लेट जाओ, चलो सभी मकरासन करो। अब लंग फाइब्रोसिस हो गया, बीपी शुगर और वेट था 93 से अब कितना है? पहले 93 था मेरा, और अब कितना? अब 63-65 हो गया, 5000 कपाल वाली। 93 से 63-65 माने
और अब लंग फाइब्रोसिस में पहले तो बहुत दिक्कत थी, अब क्या हाल है? अभी बात करने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा, ऑक्सीजन लेवल कभी कभी कम हो जाता है, लंग फाइब्रोसिस तक ठीक हो जाता है। बाकी जो आप सांस फूलने वाली बात कर रहे हो वो तो मकरासन से ठीक हो जाती है। सर ये करो मकरासन, और जिनको थायराइड के कारण से ये दिक्कत होती है ना, तो थायराइड में ये मिट्टी, उसके अंदर हल्दी, अदरक और ये धनिया, एलोवेरा, इसको मिला करके लेप लगा देते हैं, इस भाई को लेप लगाते हैं। देखो ये लेप बड़ा ज़बरदस्त है जो है। और जिनको लंग में दिक्कत हो, ये तो थायराइड के लिए लेप बताया अभी मैंने, मिट्टी, हल्दी, अदरक, एलोवेरा, इसमें थोड़ा कपूर मिला देते, थोड़ा धनिया मिला देते हैं, और ये अच्छे से लेप लगा के, मोटी लेयर लगा के कपड़े से बांध देते हैं, लपेट बोलते हैं इसको। जिसको लंग फाइब्रोसिस हो, अस्थमा हो, सांस लेने में दिक्कत हो, एक तो ये मकरासन आराम से लंबे लंबे श्वासों के साथ, फिर ये भुजंगासन, और भुजंगासन ऐसे भी और ऐसे भी, और इसमें हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और दिव्य धारा ये डाल करके, और फिर ये फेफड़ों पर लेप लगा देते हैं। ये दिव्य धारा बड़ा ज़बरदस्त काम करती है, हमने लोगों को असुविधा ना हो इसलिए शीशी में भी उपलब्ध करा दिए, बल्कि उसके अंदर रोल में तो पहले से उपलब्ध होती थी ये दिव्य धारा। और फिर ये पतंजलि बाम का लपेट लगा दे किसी को रेडीमेड लगाना हो, और ये गोमुखासन चलो करने की कोशिश कर लो। भुजंगासन और गोमुखासन जो पूरा कर लेते हैं और प्राणायाम पूरा कर लेते हैं, दिव्य पे चाय कॉफ़ी की जगह दिव्य पे, और सुबह शाम स्वासारी क्वाथ और पंचकोल, पीपल, पीपरामूल, चित्रक, चव्वे, सोठ, इसको पंचकोल कहते हैं, बनपसा, मुलैठी, कंटकारी, वासा, और ये जितने भी कफनाशक द्रव्य हैं उनको, रुदंती, इनका काढ़ा बना करके पी लेते हैं। ब्रोनकोम या स्वासारी जी, वटी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड खा लेते हैं, और लक्ष्मीला संजीवनी टी खा लेते हैं, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, किसी को पैसे का ठीक प्रबंध हो तो केसर भी ले सकते हैं। सांस फूलना पूरा बंद हो जाता है, गोमुखासन इसके लिए अद्भुत है जी। स्वामी जी आज एक छोटी सी बात तीन देवियों की तभी मैं कह रही थी स्वामी जी आज बड़ा अच्छा लग रहा है योग करते हुए, कुछ हमें भी नयापन और मिल गया, मजा भी आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा स्वामी जी मुझे एक बात बताएं, देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे पहलू जो शारीरिक स्वास्थ्य के हैं वो समझने को मिलते हैं। स्वामी जी थायराइड का अक्सर बिगड़ना प्रेगनेंसी के दिनों में भी हमने देखा है, कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हमें कभी थायराइड नहीं था लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम ये हो गया, और डिलीवर करने के बाद फिर वो उम्र भर थायराइड से जूझती रहती हैं, तो उनके लिए भी आप एक छोटी सी टिप दें, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगी। तो ये तो गोमुखासन बता दिया, ये भी कपालभाति के साथ करा रहे हैं, आप कपालभाति के साथ मत करना भाई। देखो आज तीन बातें एक साथ कहना चाहता हूँ, देश की करोड़ों महिलाएं कहती हैं कि हमको मीनाक्षी जी की तरह, ज्योत्सना जी की तरह, और अब उसमें प्रिया का नाम और जुड़ जाएगा, उनकी तरह हमें जवान रहना है, स्लिम रहना है, स्मार्ट रहना है। आप एक तरह से करोड़ों महिलाओं की रोल मॉडल, आइकॉन हो गई हो, आपको पहले तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बोलो ऐसे रहना है। और दूसरा, अभी आठवें महीने में चल रही हैं अभी आप, अगला महीना अच्छा किया प्रिया को पहले ही आप ले आए, नहीं तो फिर भाई थोड़े बहुत दिन तो रेस्ट करना ही पड़ेगा जब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब अगले महीना नौवा महीना शुरू हो जाएगा, आठवें महीने के अंत में चल रही है, और इतने अच्छे से सारे योगाभ्यास कर रही है, ये जो है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो आप एकदम अल्टीमेट रोल मॉडल हो गया, आइकॉन हो गई उनके लिए। और अगली बात कि प्रेगनेंसी के दौरान जो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं उनको आप ऐसे योग से डील कर लेते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए तो धनिया का पानी पी लें, धनिया की चटनी खा लें, थायरोग्रिड भी खाने की जरूरत नहीं, वैसे इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये थायराइड को अच्छा करने के साथ एंटी एजिंग भी है,
हर एक आयुर्वेद की दवा रोग ठीक करने के साथ माने थायरोग्रिड थायराइड भी ठीक करेगी, ये एंटी एजिंग भी है और आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा करेगी। ऐसी प्रोस्टोग्रिड वो प्रोस्टेट को भी अच्छा करेगी, साथ में एंटी एजिंग भी है और एंटी एजिंग होने के साथ आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा बनेगी। इम्यूनिटी कम होने से, इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज होने से, इन्फ्लेमेशन बढ़ने से और कई प्रकार के जो छोटे मोटे उपद्रव होने से ही तो किसी का वेट घट गया, किसी का बढ़ गया, किसी का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया, किसी का बीपी शुगर बढ़ गया, ये सब अंदर का इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज और गलत दिनचर्या, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का परिणाम। तो गर्भवती महिलाएं तो ये सारी औषधियां आयुर्वेद की दवा होने के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर और एंटी एजिंग आपकी जीवनी शक्ति को शक्ति प्रदान करती है, ओज प्रदान करती है। तो धनिये का पानी प्रेग्नेंट लेडीज ले लेंगी तो उनको थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, गिलोय खा लेंगे तो सर्दी जुकाम टाइफाइड निमोनिया और तमाम तरह की दिक्कतें नहीं होगी। तो गर्भवती महिलाओं को एलोपैथी की दवा ना लेनी पड़े, इसलिए बातें बताई। बिल्कुल, प्रेगनेंसी में थायराइड की बीमारी ना हो इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में आपने विस्तार से बताया। अब उस संपूर्ण अभ्यास की बात करते हैं जिसे आप हमेशा भरपूर एनर्जी देने वाला कहते हैं, यानी कि सूर्य नमस्कार। तो क्या सूर्य नमस्कार भी थायराइड के जो रोगी हैं उनके लिए फायदेमंद है, उनके लिए कारगर है? हाँ, उसमें जो कर ही लेते करते करते बताते, तो जो कर सकते हैं वो मेरे साथ कर लेना, बाकी बैठे बैठे कपाल भाती कर। जब इसमें पीछे की ओर झुकते हैं तब इससे थायराइड को एक्सरसाइज मिलती है। जब फिर इसमें एक पैर के ऊपर ऐसे दक्षिण अश्व संचालन आसन, वाम अश्व संचालन आसन करते तब थायराइड को एक्सरसाइज मिलती है। जब इसमें भुजंग आसन करते हैं तब थायराइड को एक्सरसाइज मिलती है। तो इसमें तो कई बार हम थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं और जो है T3 T4 से लेकर के और TSS तक सब इससे अच्छे होते हैं। ये 12 अभ्यास पूरे रोगों का चक्र है, चक्रव्यूह है, उससे आपको बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरा फुल बॉडी हेल्थ के लिए, कंप्लीट एंड सस्टेनेबल हेल्थ के लिए। तो सूर्य नमस्कार, अब बताओ 8वें महीने में भी थोड़े बहुत बदलाव के साथ जो सना जी सूर्य नमस्कार, मीनाक्षी जी सूर्य नमस्कार कर रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो ये सब के लिए। और सर्वांग आसन अभी तक कर रहे हैं, मुझे तो लगता है 9वें महीने तक करती रहेंगी मीनाक्षी जी। हैं ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ और एक धीरज के साथ करें, कोई उतावलापन नहीं, आराम आराम से। जीवन में ये जो अधैर्य आ गया है ना, ये बड़ा खतरनाक है। हमको ना हर काम धीरज के साथ करना चाहिए। आदमी धैर्य खो देता है, उतावला हो जाता है, हर चीज में एक उत्तेजना है। ये जो उतावलापन है, ये जो उत्तेजना है, ये जो स्टेबल नहीं है दिमाग, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, दिमाग का चक्का घूमता ही रहता है। अरे भाई, जो काम कर रहे हो उसमें चित्त को लगाओ। अभी जैसे दिन भर ज्योत्सना जी को, मीनाक्षी जी को, प्रिया जी को समाचार पढ़ने, लेकिन वो इस समय योग में लगी हुई, जिस समय जो कर रहे हैं उसको करें और उसमें पूरे खो जाए। तो आप में ये जो भीतर उथल पुथल चल रही होती है ना, ये भी बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का। तो बीमारियों के यही तो 8-10 बड़े कारण हैं, मन की अशांति, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, फिर किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक नहीं करते, भोजन भी धैर्यपूर्वक नहीं करते, अपने काम को धैर्यपूर्वक नहीं करते, उसी से सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर खाना पीना जीना उसमें संतुलन नहीं है, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में संतुलन नहीं है। ये छोटी छोटी बातों का करेक्शन कर लें, जब देखो तब चाय कॉफ़ी, जब देखो तब कोल्ड ड्रिंक, जब देखो तब सिगरेट, जब देखो तब कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा खाना पीना जीना ये सब चालू है। थोड़ा सलीके से जी लो, प्रकृति के साथ एकात्म होकर के जी लो, 99 क्या मैं तो कहूँगा 100% समस्याओं का समाधान हो जाता है। और ऐसे ही एलोपैथी तो 200 साल पहले थी नहीं धरती पर, पहले कैसे लोग 100-150 साल जिया करते थे योग के बल पर, प्रकृति के बल पर। अब ये धैर्यपूर्वक अभ्यास कर ले, जिनका
शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल है, इसके बाद गरुड़ासन तक भी कर सकते हैं। स्वामी जी अगला विषय इसमें शामिल कर लेते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम 10 गुना ज्यादा पाई जाती है और थायराइड होने पर अक्सर गला मोटा दिखने लगता है, फिर टोनल क्वालिटी बदल जाती, आवाज बदल जाती है, तो इसके लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो देखो, ये गले की ट्यूनिंग के लिए, स्वर भंग ना हो, इसको स्वर भंग कहते हैं आयुर्वेद में, स्वर भंग ना, इसके लिए क्या करें? इसके लिए जो जितने आसन कर सके, अभी आसन जैसे हमने सूर्य नमस्कार कर दिया, लंग के लिए, हार्ट के लिए भुजंग आसन कर दिया, कपालभाति के साथ पवन मुक्त आसन, मैं तो कहता हूँ 5 आसन 5 प्राणायाम ये तो करने का नियम ले ही ले, और त्रिकुटा जिसमें सौंठ पिपल काली मिर्च होती है, सीतोपलादि या स्वासारी पाउडर, ये या बहेड़ा या बबूल की छाल, अमरूद के पत्तों का रस, एलोवेरा हल्दी, इसका रस निकाल ले, एलोवेरा का लीफ ले लिया पूरा, उसमें थोड़ा हल्दी डाल दी, थोड़ा उसमें अमरूद के पत्ते डाल दिए, थोड़ा अनार के पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं और बहेड़ा बहुत अच्छा होता है, उसको थोड़ा डाल दिया और उससे गरारा कर लिया, स्वर एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। और जो कर सके वो ये सेतु बंद भी कर ले, और नहीं तो अपना मंडूक आसन ही कर ले बैठ करके, बिल्कुल सिंपल है मंडूक आसन और सस्कासन। तो ये गरारा भी बता दिया, नहीं तो नीम बबूल की दातुनी कर लें, और त्रिकुटा सीतोपलादि स्वासारी पाउडर, बहेड़ा पाउडर 0.5 से 1 ग्राम शहद के साथ चाट लें, गला एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा, और जो गला जो मोटा हो जाता है उसे गांठें हो जाती है। अब गांठें, आज एक कुल श्रेष्ठ बहन आई हुई थी, बोली जी मेरी ब्रेस्ट में गांठें थी, मैंने तो कपाल भाती क्या दूर हो गई, काचनार गुग्गुल वृद्धि बाधिका वटी या काचनार घन वटी, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम खिला देते, और खाली पेट कैंसरस होने की संभावना है, तो सिस्टोग्री डायमंड नहीं है तो सिस्टोग्रीटी ले ले, पूरा गला अच्छा हो जाता है। और गले के लिए पॉइंट भी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी थोड़ा सा बता देते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है, और ऐसे दबा ले ऐसे, और थायराइड वाले मोटे भी हो जाते हैं ना, तो ये सुबह सुबह गोधन अर्क पी, गोधन अर्क इसने पी पी करके तारा चंदे सर्वकल्प लिवोग्रीट लिवामृत ले ले करके 4th ग्रेड का लिवर सिरोसिस ठीक किया है, ये गोधन अर्क ले ले, और साथ में ये धनिया के पानी के साथ ये ले लें थायरोग्रेट ले लें। अब मोटापा और हो जाता है, कुछ तो अंडरवेट के शिकार हो जाते हैं, तो अंडरवेट वालों को तो वेट गेन ले लेना चाहिए, न्यूट्रीला वेट गेन ले लें, अश्वगंधा या शतावर, थोड़ा थोड़ा केला या आम दूध, और अच्छी डाइट ले लें, और वेट ज़्यादा हो जाता है थायराइड वालों को, उनको ये 5 अभ्यास ज़रूर करने चाहिए। एक तो ये स्थितकोण आसन, और एक ये चक्की आसन, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे ऐसे। अब देखिए स्वामी जी, हम बार बार यही कहते हैं कि आप साथ साथ हम कुछ पूछे उससे पहले आप हमारे मन की बात जान जाते हैं। मैं वजन पर ही आपसे पूछने वाली थी कि स्वामी जी, हाइपोथायराइड में तो वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन हाइपर थायराइड में उतनी ही तेजी से वजन घटता चला जाता है, और शरीर में इतनी कमजोरी आ जाती है कि कुछ पेशेंट्स तो मैंने ऐसे देखे हैं वो बेड रिडन हो जाते हैं, उनसे उठा तक नहीं जाता। तो ऐसे में जो हाइपर थायराइड से पीड़ित है, जिनका वजन बहुत तेजी से घट रहा है, उनका वजन बैलेंस रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? उनको एक तो दंड बैठक लगानी चाहिए और सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और दूध दही, दूध में केला ले लें, दूध में खजूर ले लें, दूध और खजूर, दूध और केला, अश्वगंधा शतावर ले लें, जिनका वजन कम हो वो आम खाएं, अभी भी आम का थोड़ा बहुत बाकी रहा है सीजन, जो मसाला से नहीं पकाते, धीरे धीरे हमारे पेड़ों पर अभी भी हरे हरे आम लगे हुए, अभी तक भी चल रहे, 1 महीने तक और चलेगा, अभी तो आम्रपाली अक्टूबर तक चलेगा, खैर ऐसे तो सो तब तो ये करें, और सूर्य नमस्कार करें, और वजन बढ़ाने के उपाय वेट गेन से लेकर के सब मैंने अभी बताए। जिनको वजन घटाना है वो सिद्धकोणासन और चक्की आसन के साथ ही अर्धलासन,
पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन करें, और वजन घटाने के लिए तो यह हाइपो थायराइड हाइपर थायराइड दोनों का उपाय साथ साथ बता रहे हैं। एक में वजन घटता है, एक में वजन बढ़ता है, जैसे आप अभी बता रहे थे। तो ये अर्धलासन ऐसे एक एक पैर से दोनों पैरों से, और वेट कम करने के लिए फिर उनको ये गोधन अर्क और मेदोहर बटी वेट को अश्वगंधा के पत्ते दिन भर गर्म पानी पीना, अनाज बंद कर देना, दो बार खाना खाना, एक बार रात को 7 बजे से पहले और एक बार 10 से 12 के बीच में, बस हो गया काम। बीच में ज़्यादा ही भूख लगी तो फ्रूट से ले लिए, फ्रूट से लेने चाहिए, वो उसमें फाइबर साथ में आता है, तो ज़्यादा भूख लगे बीच में 3-4 बजे के आसपास तो थोड़ा फ्रूट से ले लिए बस। तो ये जो दिन भर चढ़ते रहते हैं वो बंद करना पड़ेगा, अनाज नमक मीठा मैदा जंक फूड फास्ट फूड ये सब बंद करना पड़ेगा। तो जो दोनों पैरों से कर सके वो दोनों से कर ले, नहीं तो एक एक से कर ले, इससे एक एक पैर से द्विचक्रिकासन, एक पाद उत्थानासन, और ये ऐसे एक एक पैर से ऐसे गोल घुमाना है, दोनों से घुमाना है। तो अपने अपने अभ्यास ये ठीक से कर लें और 1 घंटे तक करें, 1 घंटे का, 1 घंटे बिना की पूरी एफिकेसी नहीं आती। जैसे दवा की डोज होती है, कोई दवाई की डोज जब 100 mg लेने चाहती है तो 10 mg लेने से कुछ फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसलिए कहते हैं टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से, जब भी कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की बात की जाती, किसी मेडिसिन के एफिकेसी की बात की जाती है, साक्ष्य आधारित अनुसंधान की बात की जाती है, तो उसके लिए ये जरूरी होता है। तो ऐसे तो ये ऐसे तो ये कहाँ मिक्सिंग हो गई भाई, गुड मॉर्निंग इंडिया टीवी मेरे कानों में गूंज रहा है, तो हमारे चार वाले ठीक कर ले। तो है ये इंटीग्रेटेड हो गया सब, दूसरा लग गया है, तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेटेड न्यू प्रैक्टिस भी हो रही है। और साथ में अब बता दे रहे हैं प्राणायाम बहुत जरूरी है, और एक्यूप्रेशर हाथों में भी पैरों में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वामी जी अगर अब आपको हमारी आवाज आ पा रही है, बाहर आती है उसका भी इलाज बता देते हैं, चक्कर आते हैं। मैं कह रही थी स्वामी जी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है, और ये एकदम फर्स्ट क्लास। मैं ये कह रही थी बीच में इंटीग्रेटेड न्यूज प्रैक्टिस भी हो गई थी शायद, इसलिए आप तक जो है खबरों की भी आवाज पहुंच रही थी। अच्छा स्वामी जी देखिए, मेरे और ज्योत्सना के साथ तो 2.5 साल का पूरा ये रिश्ता योग का रहा है आपके सानिध्य में, तो हमने बहुत सारे सवालों के जवाब आपसे जाने। अब प्रिया भी ऐसे ही कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहती है, तो प्रिया आपके भी मन में कोई सवाल है तो पूछ लें। बिल्कुल स्वामी जी, देखिए ये हम सब जानते हैं कि योग फिट रहने के लिए कितना ज़रूरी है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन चूंकि आज हम हाइपर पर बात करें तो स्वामी जी थायराइड चाहे हाइपर हो या फिर हाइपो, कहते हैं कि योग एक ऐसा माध्यम है जो दोनों का समाधान कर सकता है, लेकिन जब थायराइड बढ़ जाता है इसके चलते हमने अक्सर देखा है स्वामी जी की आंखें निकलनी शुरू हो जाती हैं, लोगों की नज़रें कमज़ोर होती हैं, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, तो योग क्या आप ऐसा कोई उपाय योग के जरिए बता सकते हैं जिनसे हमारी आंखें भी स्वस्थ हो और जो हमें समस्याएं हैं योगिक के जरिए वो भी ठीक हो जाएं? आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, जो है आज पहला दिन है आपका प्रिया जी, लेकिन मुझे लगता है आप भी एकदम श्रेष्ठ योगिनी बनी जाएगी। तो जिनको आंखें बाहर निकलने लगती है थायराइड के कारण से, वो आंख का पॉइंट दबा ले यहाँ से। आंख के लिए हम जननीति सूत्र नीति बताते हैं, त्राटक भी बताते हैं, नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर चलने के लिए भी बोलते हैं, आंख के लिए हम त्रिफले से आईवास करने के लिए भी बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात अनुलोम विलोम शीर्षासन सर्वांगासन बताते हैं। आंख का पॉइंट है दोनों हाथों में और ये सेम दोनों पैरों में, ये पॉइंट दबाने से, और आई ग्रिट गोल्ड हम खिलाते हैं, और आई ग्रिट की आंवला एलोवेरा गिलोय की बस्ती दे देते हैं, हम एनिमा दे देते हैं। 7 दिन के अंदर ही आंखों का धुंधलापन दूर हो जाता है, नज़र बढ़ने लगती है, नज़दीक का दूर का चश्मा हटने लगता है, कैटरेक्ट ग्लूकोमा तक ठीक हो जाता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और यहाँ तक कि मैकुलर डीजनरेशन भी अच्छा होता है। और अभी भी मैं छोटी से छोटे बारीक से बारीक अक्सर, जैसे कहते हैं ना ये जो सेकेंड वाली सुई से लेकर के और सुई में धागा डालने से लेकर के सारे काम मैं अपने आंखों से बिना चश्मे के इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि योग से सच में ये हमें शक्ति मिलती है।
और बाकी जो मुक्त हो जाते हो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है। हाँ, त्राटक जो है वो जबरदस्त फायदा करता है। आप चाहे खुली आंखों से त्राटक कर लो या बंद आंखों से मन को शांत करके ओंकार या गायत्री का ध्यान कर लो। और ये पॉइंट तो दबाएं दबाएं, और थायराइड वाले ये पॉइंट हाथ में भी और पैर में भी दोनों जगह जरूर दबाएं। ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। तो ये आई ग्रिट दे करके और ये सारे जो अभी उपाय बताए ये सब करके और महात्रिफला घृत भी खिला देते हैं, त्रिफला घृत से महात्रिफला घृत से अक्षी तर्पण भी करवा देते हैं। इतने उपाय करने के बाद तो जो अंधे हो चुके थे जी, 99% किसी किसी का तो 100% विजन चला गया था, प्रीति जी उनका भी विजन आया है। और वो पिछले 2.5 सालों में ज्योत्सना ने वो ज्योति आंखों में, मीनाक्षी जी ने वो रोशनी आंखों में देखी है। स्वामी जी, ये तो आंखों की बात हुई, अब शरीर के उस हिस्से की बात करते हैं जो हमारे पूरे शरीर का वजन उठाते हैं, हमारे पैर। उसके साथ ही हमारे दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमने देखा है कि थायराइड की परेशानी जिन लोगों को होती है, अक्सर कैल्शियम की कमी भी रहती है और जिस कारण मसल्स में पेन, बोन में पेन रहता है, उसका भी समाधान बताइए। और साथ ही गोपाल के सवाल को भी शामिल कर लेते हैं। गोपाल की उम्र 55 साल है, कमजोरी की वजह से देर तक खड़े ये नहीं हो पाते हैं, तो मैं इसी बात का भी जिक्र कर रही थी। तो स्वामी जी, इन्हें क्या करना चाहिए? तो गोपाल जी के से लेकर के और जो आपने पूछा ज्योत्सना जी, दोनों का ही सवाल का उत्तर दे देते हैं। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की डेफिशिएंसी से पैरों में कमजोरी आती है। तो न्यूट्रीला ओमेगा या न्यूट्रीला डेली एनर्जी, ये तो रेडीमेड उपाय है। आयुर्वेदिक उपाय में त्रिदोषांग गुग्गुल, चंद्रप्रभाव की गोक्षर आदि गुग्गुल, ये खाने के बाद ले ले और खाली पेट इम्यूनोग्रिट ले ले, इसी से ही पैरों की कमजोरी पूरी ठीक हो जाती है। यौगिक उपाय में पैरों को आगे पीछे जैसे दबाया ऐसे ऐसे घुमाया और बटरफ्लाई की, इससे ये पूरी दूर हो जाती है पैरों की कमजोरी। और ये पीछे के जो चैनल होते हैं ये पॉइंट भी दबा लें। नहीं तो घरेलू उपचार में, होम रेमेडी में मैं बोलता हूँ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और हार जो है ये मोरिंगा मैजिक ट्री जिसको बोलते हैं सहजना, इन 5 का पानी पी लें। किसी भी प्रकार का शरीर में कोई भी दर्द शेष नहीं रहेगा। और हाथों में दर्द हो तो ये पीछे के चैनल दबा लें, बड़ा ज़बरदस्त। छोटे छोटे उपाय करने से, त्रिदशांग गुग्गुल लेने मात्र से नस नाड़ियों का, पूरा पैरों का दर्द दूर हो जाता है। तो ये जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद आयु को बढ़ाने वाला, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला और सब रोगों को से बचाने वाला, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम, चा दोनों काम हो जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ, सब कुछ योग से मिलेगा। तो गोपाल का भी समाधान बता दिया और एक रोग कैसे होते हैं उसका कारण और योग विज्ञान से उसका निवारण भी बता दिया। अगला प्रश्न आप ले लो। अगला सवाल स्वामी जी सतेंद्र का है। उनकी उम्र 26 साल है। वो ये कह रहे हैं उन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है और उनका सिर हमेशा भारी रहता है, तो हाई बीपी को क्योर करना है और सिर का भारीपन मिटाना है, स्वामी जी उनके लिए उपाय बताएं। हाई बीपी तो एक क्षण में दूर हो जाता है। और मैं सबसे आह्वान करूंगा, आज मैं भोर में आस्था पर भी अपने कार्यक्रम में आह्वान कर रहा था, अभी भी बोल दे रहा हूँ। देखो, जैसे आप मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, प्रीति जी कितनी प्रीति करती, ऐसे पति पत्नी एक दूसरे से प्रीति करें, एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे को माने, मन में कोई उत्तेजना ना रखें, 99% बीपी इसी विचार से ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ विचार ही सबसे बड़ा उपचार है, आहार ही सबसे बड़ा उपचार है। लौकी ले लें, लौकी का पानी पी, लौकी का जूस पी लिया, लौकी का सूप ले लिया, लौकी में थोड़ा तुलसी पुदीना आदि डाल दिया, क्या जबरदस्त उससे लाभ होता है। अभी तो वापस ये हरे आंवले भी आ गए, 12 महीने आंवले रहते हैं हमारे यहाँ। ओहो हो हो, खूब आनंद ही आनंद है। और आंवले का बाग इतना सुंदर लहरा रहा है, हरियाली देखो, इसी से बीपी ठीक हो जाता है। तुम में से बीपी एक तो इसका ठीक हुआ, ताराचंद का, और किस किस का ठीक हुआ बीपी, थायराइड कितनों को था, हे रामा, ये तो सारे ही 25 साल से। और इसको तो कैंसर भी हो गया था ना, कैंसर भी ठीक करके बैठी हुई है और बीपी भी ठीक करके बैठी हुई है और सारी चीज़ें।
अनुलोम विलोम करो, चलो अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, भ्रामरी उद्गीत, और ज्यादा हो गया तो थोड़े दिन मुक्तावटी या बीपी ग्रिड दो दो गोली खा लो, पूरी तरह से बीपी क्योर हो जाता है। ये एक ही नहीं, सबके समाधान बता दिया, और मन में विश्वास रखें और इंडिया टीवी पर भी विश्वास रखें, ज्योत्सना मीनाक्षी जी, प्रिया जी और स्वामी रामदेव की बातों पर भी विश्वास करें। विश्वास, भरोसा, ये हमें बीमारियों से उभारता है, जो न सिर्फ हम लोगों को एकात्म भाव से जोड़ता है, बल्कि स्वामी जी अगर दर्शकों का ये परिवार, अगर हम ये कहें, इतना बड़ा हो पाया है तो ये केवल विश्वास के बूते ही हो पाया है, और जो लाभ इस कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है उसी के जरिए हो पाया है। स्वामी जी, कार्यक्रम के अब हम अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात आयुर्वेदिक नुस्खे की है, थायराइड में कारगर नुस्खा कौन सा अपनाना चाहिए जिसे आसानी से घर में बनाया जा सकता है, ये भी आप बताएं। और जब तक आप ये नुस्खा बताएं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम जल्दी से कल का कार्यक्रम बता देते हैं। ले लो। तो दिल को कैसे रखें सेफ, कैसे घटेगा कोलेस्ट्रॉल, किस योग से ब्लॉकेज होगा क्लियर, आर्टरीज बनेंगी स्ट्रॉन्ग, हार्ट के सभी प्रॉब्लम्स को क्योर करेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव, कल बताएंगे परफेक्ट योग और आयुर्वेदिक नुस्खे। तो कल सुबह 7:56 पर हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जुड़े हमारे साथ और अपने हार्ट को बनाएं स्ट्रॉन्ग। स्वामी जी आयुर्वेदिक नुस्खा थायराइड की ओर करने का, धनिया का ना, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, हाँ ये तो मैंने जनरल एक हेल्थ के लिए बताया हुआ था कि सुबह उठकर के आप जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पीजिए, चाय, कॉफी, ये तमाम तरह के अनहेल्दी जो चीजें, सौंफ का पानी पीने मात्र से बिना किसी दवा के, बिना थायराइड हिट के भी हमने लोगों का थायराइड अच्छा किया है। खाली उज्जाई कोई भी कर लेते हैं, सिंहासन और ये गर्दन घुमाने वाला और कपाल भाती, और थोड़ा ज़्यादा था तो उनको तो उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, सर्वांगासन पूरा बताया था। ये खाली धनिया का पानी, दूसरा ये तो हरा धनिया है, इसकी चटनी रोज खाए, और ये अमरूद, एलोवेरा और हल्दी, इसमें बहेड़ा और डाल दें तो इससे जो गरारा करेंगे ना वो तो थायराइड के लिए रामबाण है, सो है। मैं तो कहता हूँ आप हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला सप्ताह में एक बार सब ले लिया करें, पूरी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी। सप्ताह में एक बार गोधन अर्क ले लिया करें, पूरी बॉडी डिटॉक्स होती रहा करेगी। और अब आंवला का सीजन शुरू हो चुका है, अगले महीने से और परिपक्व आंवला आने लग जाएगा और च्यवनप्राश भी फिर अपना जोर पकड़ लेगा। तो कोई भी एक जड़ी बूटी रोज बदल बदल के, किसी दिन आंवला ले ले, किसी दिन एलोवेरा ले ले, किसी दिन गिलोय ले ले, किसी दिन हरे धनिया का पानी ले ले, किसी दिन एलोवेरा ले ले, ऐसे कोई भी एक जड़ी बूटी, नहीं तो तुलसी पत्र ही मुँह में तीन डाल लें। जो ऐसे करेंगे फिर उनके जीवन दिव्यता से भरेंगे, उनके जीवन में कोई रोग नहीं टिकेंगे, नहीं तो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो रोज हम ये समाधान बताते हैं, जड़ी बूटियों के उपाय बताते हैं, और जड़ी बूटियां घर में रखने से कोई वास्तु दोष भी नहीं रहता, तो आंवला, एलोवेरा के लिए तो गमलों में ही लगा ले। स्वामी जी, आज तो बात थायराइड की हो गई, समाचार भी आपके बताने की बारी है, कल 7:56 पर फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।